नहीं। बोले क्या बात है, ऐसा है क्या, भगवान श्री कृष्ण का अधिकार ही खत्म हो गया? आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया और हम इतना डेवलप कर लिए और भगवान को मानने वालों की संख्या बंद हो गया, थोड़ा कम हो गया, इतना कम हो गया, भगवान को नहीं मानने वालों का संख्या? बोला नहीं। इसका अर्थ क्या है, भगवान सबके ऊपर अधिकार लागू करते हैं, लेकिन कैसा करते हैं, किसी को अंतर के रूप में, अंतरंग के रूप में, किसी को बहिरंग रूप में। तो भगवान के दो रूप है, एक है अंत पुरुष रूपेण काल रूपेण जो बही। ये शब्द भागवतम में बहुत जगह में आया। भगवान क्या करते हैं, भक्तानाम अभयंकर अभक्तानाम भयंकर। कंस को भी भगवान भगवान ही है, वसुदेव को भी भगवान है, भक्तों को भी भगवान है, अभक्तों को भी भगवान है, लेकिन डिफरेंस क्या चीज है, जैसा एक राजा प्रजावत्सल राजा समस्त प्रजाओं के लिए पिताजी के जैसा प्यारा परिपालन करने वाला है, लेकिन उस राज्य में जो दस्यु और चोर है उनके लिए यमराजा के जैसा है, वो डरते हैं राजा को। अगर राजा को अगर दस्यु और चोर अगर नहीं डरते तो आज के गवर्नमेंट के जैसा है, इनके दस्यु नहीं डरते, वो भी दस्यु है, ये भी दस्यु है, क्यों डरते हैं, डरेगा ही नहीं। राजा जब अच्छा होता, अच्छा का मतलब क्या है, बुरा लोग उससे डरते हैं। आज बुरा लोग राजा से नहीं डरते, वो भी वैसा ये भी वैसा है, ये दोनों वैसा है, वैसे भी तैसा फ्रेंडशिप है। तो जैसा भगवान को इसलिए कहा गया कि भक्तानो अभयंकर, भक्तों को अभय दान करने वाले, भक्तों के हृदय में रहकर अशोक अभय अमृत प्रदान करते हैं, अभक्तान भयंकर। कंस रात दिन सोच रहे कि कृष्ण आया, कृष्ण आया, कृष्ण आया। हम कृष्ण के चिंतन करते कि नहीं करते, कंस रात दिन करता था। हम अपने को भक्त मनाते बना कहलाते, लेकिन कंस का भक्त नहीं कहलाता था। रात दिन कृष्ण आया, कृष्ण आया, कृष्ण आया, कृष्ण आया, कृष्ण आया, कृष्ण मार गए, मारा मारा मारा, चिंतन करता था। लेकिन बोले कैसा, जो नास्तिक था, नास्तिक कर डरते हैं, आओ कभी धर्म उत्पन्न हो जाएगा, भगवान उत्पन्न हो जाएगा, हमको ध्वंस कर दे। अभक्तों के लिए भगवान काल स्वरूप है, टाइम काल। तो जो लोग भगवान को नहीं मानने वाले, काल को जरूर मानते, काल दिखाई तो नहीं देता, बोले भगवान दिखाई नहीं देता, नहीं मानूंगा। अरे काल दिखाई देता, बोले दिखाई नहीं देता, मानता, अरे मानना ही पड़ता। 5 साल तक 5 करोड़ खर्चा गया और 50 करोड़ इनकम किया, 5 साल हो गया, अभी भगा दिया हमको, नहीं हो रहा है। मतलब समय बीत जाए तो दुनिया में और कुछ नहीं रहता, तब तक सब सब कुछ करते रहते हैं। मनुष्य नहीं जानता कि दुनिया में हम 4 दिन का मेहमान है, 4 दिन का मेहमान है, इसमें हमको करना क्या चीज है, कल्याण के काम करना, और कल्याण के अमंगल का, बदमाशी का, पतन का ये काम नहीं करना, बाद में चिरन युग युगों तक पछताना पड़ता मनुष्य के लिए। आयु का समय बहुत अल्प है, इसके बीच में ही कल्याण का काम करना। इसलिए भगवान कहते हैं लब्धा सुदुर्लभ बहु संभवंत मानुष्य मर्त मनितमपि धीर तृणम देते न पते अनमृत जावत निश्रेय सा विषय फल श्रुत सा। विषय भोग हर जगह मिलता, प्रत्येक जानवर के जीवन में मिलता। एक मनुष्य पैसा खर्चा करके 5 स्टार होटल में बहुत कुछ चीज ला खाकर जो आनंद लेता, वही आनंद एक सुअर ड्रेन में या जो चीज खाकर वही आनंद लेता, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही मात्रा में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमको अच्छा लगता, उसको अच्छा लगता, दोनों समान है। लेकिन क्या चीज है, निश्रेष कल्याण प्राप्ति के लिए कोशिश करना, जिससे निरंतर आनंद, निरंतर सुख और सबके लिए कल्याण हो सकता। जो कल्याणकामी मनुष्य जो साधना करता, उससे उसका ही कल्याण नहीं होता, सारा जगत का कल्याण होता। और एक व्यक्ति अगर परमार्थ का पथिक बन जाए, भक्त बन जाए, तो उसका सारा कुल का कल्याण हो जाता, कुछ भी नहीं करते हुए। जैसे प्रहलाद महाराज को नृसिंह भगवान ने पूछा, बताया, अरे प्रहलाद वर मांगो। बोले वर में कौन नहीं होना, वर मांगने वाला वणिक है, ट्रेडर है, हम बिजनेसमैन नहीं है। भगवान कहते, अरे तू मांगो ना, भगवान जबरदस्ती कराए। तो प्रहलाद ने कहा, इस असुर हिरण्यकश्यपु जिसने आपसे इतना दिन तक विरोधित किया, उसका कल्याण करो। अरे प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ग्रहण किया, वहाँ का 21 पुरुषों का उद्धार हो ही गया, इसका क्या कर, 21 फोर फादर्स हैव बीन डिलीवर ऑलरेडी। तो भक्त जहाँ पर होता, भक्तिमान जहाँ पर होता, उसका सिर्फ कल्याण नहीं होता, वहाँ का सारा देश का कल्याण होता। और जिस देश में भक्त नहीं है, उस देश का पतन होता। और मनु ने सृष्टि के आदि में ही कहा, दुनिया में जब
मरणं दुर्भिक्षं भयं, कभी मरण कभी अकाल मरण, कभी दुर्भिक्ष कभी भय, कब होता? अपूज्य इतर पूज्यंत पूज्यानांत व्यतिक्रम तत्व तीन वर्तनते, पूज्य सम्मान, सम्माननीय व्यक्तियों का अपमान और अपूज्य व्यक्तियों का सम्मान। जो आज अपुसलमों को जितना सम्मान दे रहे हैं और साधारण साधुओं को नहीं दे रहे हैं, मतलब चोर डकैत जो स्मगलर उनको इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं और सच्चा लोगों को रेस्पेक्ट कहाँ पर है? क्योंकि कहा कलयुग का लक्षण ही वैसा है, जो सच्चा कहे तुम्हारे लट्ठा, झूठा जगत बुलाए, गोरस गली गली फिरे, सुरा बैठल बिकाए। क्या करते हैं? चोर को छोड़े साधु के बांधे, पति को लगा फांसी, धन ने गली देख तेरी तमाशा, दुख लगा रहा से। देखो जुडिशरी में क्या हो रहा है, लेजिस्लेचर में क्या हो रहा है, एकेडमिक्स में क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं रात दिन बैठ बैठ कर। नहीं तो 6 लाख करोड़ रुपया का घोटाला कैसे हो सकता? 6 लाख करोड़ रुपया का घोटाला भारत में एवरी ईयर। आप लोग पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मेरे आग में गिरा, मैं पढ़ता नहीं। चल जाते जाते गिरा। 6 लाख करोड़ रुपया का घोटाला, अगर घोटाला के इतना धन हो तो और कितना इसका पीछे क्या है? 6 लाख करोड़ का संपत्ति का दानों के हाथ में विनाश विनाश काम के लग रहा है। AK-47, AK-56 है घोटाला के अंदर। तो इसलिए क्या, हमारा मिशन यह है कि मनुष्यों को मानव बनाओ, किसी को भगवान बनाओ। कोई भगवान बनना चाहते हैं, कोई भगवान के बाप बनना चाहते हैं, अलग बात है। मनुष्य को अगले मनुष्य बनना, मनुष्य बनाने की शक्ति केवल भक्ति देवी का है और हरिनाम का है। हरिनाम क्या करता? मनुष्य को मनुष्य बना। मनुष्य होने के बाद तुम देवत्व की ओर चल जा सकते हैं। मनुष्य द्विपदवश बन जा रहा है तो मनुष्य नहीं हो रहा है। मनुष्य कौन है? जो असतोमा सद्गमय, अंधेरा से असत अनित्य अवस्था से नित्य अवस्था की ओर चल जाना, और तमोसमा ज्योतिर्गमय, अंधेरा से रोशनी की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, और मृत्यु अमृतम गमय, मृत्यु सागर से उत्तीर्ण होकर जो अमृतत्व की ओर जाना, यह मनुष्य का सार्थकता है। इसके लिए कोशिश करने के साधन है गीता, साधन है भागवत। तो मनुष्य के लिए ये साधन जो है संपूर्ण तृप्ति, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण सुख देने वाला है। इसका जो तरीका कलयुग में बहुत सरल कर दिया, दो चीज होना, साधु संग हरिनाम। बोले इतना बड़ा शास्त्र है, सब कुछ हमको हजम करना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, सारा गीता समझना, सारा गीता उच्चारण करना, तो विपत्ति आ जाता। जैसा कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता, डिग्री पढ़ता, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ता, सब कुछ पढ़ता, पर इंटरव्यू के टाइम पर तुमने पढ़ा प्रमाण क्या है? फर्स्ट स्टैंडर्ड की किताबें है, सेकंड स्टैंडर्ड है, थर्ड स्टैंडर्ड की किताबें है, फोर्थ स्टैंडर्ड का है, सब कुछ किताबें लेकर आए, मैंने ये सब पढ़ा। अरे भाई क्या किया तुमने, बड़ा लॉरी लाया, मैंने इतना पढ़ा ना, वो जरूरत नहीं, एक सर्टिफिकेट लाने से हो गया काफी। इसलिए क्या है, तुमने इतना साधना किया, वो साधना किया, अगली साधना, वो साधना, वो साधना तुमको दिखाने की जरूरत नहीं, एक हरिनाम को लेकर चलो, बस काफी। यमदूत को पास, यमदूत भी पास नहीं आएगा, पिशाच भी पास नहीं आएगा, पतन भी पास नहीं आएगा। इसलिए इसमें क्या, हरिनाम को लेकर चलना, लेकिन लेकर कैसा चलना? प्रेम से चलना। हरिनाम करना तो करना, निरंतर करना, तरीका से करना, त्रिनाद तरोर मानदेन कीर्तन सिदारी। तो बहुत आसान है, कोई भी सरलता से कर सकते हैं, लेकिन इतना कठिन है, बड़ा बड़ा पंडित फेल हो जाते, डूब जाते हैं। त्रिनाद सुनीच, तो मनुष्य के लिए इतना दीन भाव अपनाना इतना कठिन है। तो दुनिया में क्या है, कठिन सरल बनना बहुत कठिन है, कठिन बनना बहुत सरल है। कॉमन सेंस, जो कॉमनली नहीं मिलने वाला सेंस कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस मतलब साधारण, साधारण के पास है ही नहीं, उसका नाम कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज वेरी रेयर। कॉमन सेंस जैसा अब देखते हैं, जैसा आकाश से पेड़ से एप्पल नीचे गिरा था, न्यूटन ने सोचा यहाँ क्यों गिरा, वहां क्यों नहीं गया, तो कॉमन सेंस है, पृथ्वी ने आकर्षण किया, तब उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स का खोज कर लिया। इसलिए मनुष्य के लिए हरिभजन करने के लिए क्लियर कॉमन सेंस। क्लियर कॉमन सेंस क्या चीज है?
तो हम बड़ा बड़ा बात करते हैं, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी करते हैं, बड़ा बड़ा ये शिक्षा के दुहाई देते और बहाना देते, सब कुछ देते हैं। क्लियर सेंस क्या है, क्लियर कट क्या है? कोई व्यक्ति अपना अच्छे से जन्म नहीं लेता। हम अगर अच्छा जन्म लेते तो अगले से इंश्योर कर देते थे, नेक्स्ट जनरेशन हमको मिलना, इसका घर में होना और इसका नहीं, नॉट पॉसिबल। अपना अच्छे से जन्म कोई नहीं लेते, न जाने हमको कोई कौन सा बच्चा होते हैं, कौन सा बच्चा जानते हमको कैसा पिता मिलता, कोई नहीं जानते। तो भगवान की देन है, तो जन्म भगवान के हाथ में है और मृत्यु भगवान के हाथ में है। अगर मृत्यु अपना हाथ में होता तो कोई मरना नहीं चाहता, नहीं अब नहीं मरूंगा तब नहीं मरूंगा, नहीं। जैसे एक बूढ़ी माँ बोल रहा है कि बहुत परेशान है, तो लकड़ी काटते काटते घर में बेचते बेचते घर चला रहे कि बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान है, तो चिल्ला रहे कि तो जंगल में जाकर रोज करे, बहुत बुढ़ापे आ गया, तो जंगल में जाकर सूत्र कह रही यमराजा को भी मेरा पूरा दया नहीं है, मेरा हालत ऐसा चल रहा है। तो यमराजा को बोला, यमराज आ गया, यमराज बोले क्या बूढ़ी माँ क्या हो रहा है, अरे तुम कौन हो, मैं यमराज हो, वो यमराज आ गया, वो बोल रहे कौन सा काम के लिए है, थोड़ा लकड़ी उठा दो ना। लोग ऐसा किसी से तो कोई मरने भी नहीं चाहते, तो क्यों, तो डर डर लग रहा है, लेकिन सबके लिए तैयार कौन रहता, जैसे प्रहलाद, जैसा परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को जब अभिशाप लग गया 7 दिन के अंदर तुम मर जाएगा, ठीक बात, 7 दिन के अंदर हरिभजन करूंगा। परीक्षित महाराज कह रहे कि हमको पता चला कि 7 दिन को आयु है, किसको पता है 7 दिन का आयु है कि नहीं, कौन जाने, इसलिए पता चला मुझे, और 7 दिन तो है, 8वां दिन किसको मिलता, संडे से सैटरडे तक सबको मिलता, और उसके बाद और फिर संडे और कोई 8वां दिन होता नहीं। इस हरिभजन के लिए प्रस्तुति जो परीक्षित महाराज ने किया था, इसके उनके प्रश्न के उत्तर जवाब में जो भागवत आया, मुहूर्त नाकिंग कर्तव्य, मैं मरणशील हूँ, हम जितना भी ऊपर उठे लेकिन नहीं भूल जाए, भूलना नहीं कि हमारा पैर के नीचे मट्टी नहीं रहे तो हम कहीं गिर जाएंगे, हमको प्रत्येक को प्राधार करना ही पड़ता, हम वी आर मॉर्टल पीपल, हम मृत जीव है, क्योंकि जगत तो दुनिया हमको जीवन जो मिला ये तात्कालिक है, हम कितना भी तंदुरुस्त हो सकते हैं, जाने कितना तंदुरुस्त चल गया, कितना सुनामी में चल गया, कितना दुर्नामी में चल गया, तो बाकी रह गए तो सोचते हो। धर्म अनुशीलन इसलिए करना कि तो कभी इसलिए चुकना नहीं, स्वाध्यान महाप्रमोद, धर्मान महाप्रमोद, धर्म से स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करना, गीता ये सिखाती, गीता निरंतर ज्ञान देती। तो भगवान कहते हैं तुमको तेरे लिए 1000 काम नहीं दिया, कुछ काम नहीं दिया, कुछ काम ही नहीं दिया मैंने, भगवान ने क्या किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम्। सर्वधर्म, गृह धर्म, देश धर्म, देह धर्म, कुल धर्म और नाना प्रकार के धर्म है, सब कुछ छोड़ दो। भगवान ने गीता में अकेले कहा स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भाव, स्वधर्म कभी नहीं छोड़ना, मरण होने से भी अच्छा है लेकिन परधर्म अच्छा नहीं। लोग बोलते स्वधर्म क्या चीज है, हिंदू धर्म, स्वधर्म क्या चीज है, क्रिश्चियन धर्म, स्वधर्म वो है, स्वधर्म में अपना अपना अधिकार है, अपना अपना अधिकार के अनुसार काम करना स्वधर्म है, अपना अधिकार के बाहर काम करना परधर्म है। एक व्यक्ति जूता सिलाई करना अच्छा जानता, उसको कहा जाए तो ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करता मार डालता, अपना अधिकार के अनुसार काम करने में सक्सेस है, अपना अधिकार के विरुद्ध काम करने में फेल्यूर है। स्वधर्म मतलब ये अपना अधिकार, अपना जो योग्यता, लेकिन भगवान अंत में कहते सब कुछ छोड़ो, स्वधर्म का ऊपर भगवान इतना जोर दिया, अंत में कह रहे कि स्वधर्म विधर्म कुधर्म जो कुछ सब कुछ धर्म छोड़ो, केवल मेरा शरणागत आ जाओ। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अलग नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन समझने में बुद्धिमत्ता जरूर है। कैसा, जैसा ऋषियों ने कहा धर्मं चर सत्यं वद, सत्य कहना धर्म का आचरण करना, ऋषियों ने हर वक्त कहा धर्मं चर, शास्त्र कहता ऋषि कहते, और भगवान ने भी खुद कहा, लेकिन अंत में भगवान कहते धर्म छोड़ो, ऋषिगण कहते धर्म करो, भगवान चलो ऋषि धर्म छोड़ो, मतलब क्या है, तो भगवान रास्ता दिखाते, कैसा रास्ता, अगर कोई एक व्यक्ति ग्राम से आया, गांव से आया, शहर में किसी एक व्यक्ति से मिलने के लिए, तो मिलने के लिए आया, उसका पता किसे पूछा कहाँ पर है,
तो बहुत दूर आए, तो बताओ ना। बोले इतना दूर जाना, इतना मेल जाना, पूर्व में जाना, पश्चिम में जाना, उत्तर में जाना, दक्षिण में जाना, ऐसा जाना वैसा जाना, एक किसी ने डायरेक्शन दे दिया, जाता तो फिर जाने लगा, जाता जाते फिर भूल गया। अरे कैसे क्या बताया था, कितना पूर्व, कितना उत्तर, कितना दक्षिण, कितना मेल, कितना तेज, पता नहीं कौन सा गाड़े, कौन सा घोड़ा। फिर किसे पूछा और एक बताने लगा, क्योंकि जाते जाते कहा दूर चल गया। अरे तुम यहाँ पर आ गया, वो और भी दूर आ गया तुम, और पीछे ऐसे चल, एक एक जगह में जाते जाते एक एक व्यक्ति एक एक डायरेक्शन दे रहे हैं। वो पागल बन गया, कैसे जाओ पता नहीं, एक बोल रहे पश्चिम में जाओ, एक बोले पूर्व में जाओ, एक बोले तपस्या करो, एक बोले ऐसा करो। जाते जाते परेशान होकर बैठा हुआ, क्या करूँ। तब एक बाबू से पूछा, बाबू मुझे बहुत मुश्किल है, इनके घर में जाना मुझे, तो आप बताओ ना मुझे। कोई बोल रहे पूर्व जाओ, कोई बोल पश्चिम जाओ, कोई बोल 10 मील जाओ, कोई 20 मील जाओ, आज मुझे आप बहुत परेशान हो गया, आप दया करके अच्छा तरीका से बताओ। तो ठीक है, इनके घर में जाना तुमको, ठीक है मेरे पीछे चलो। तो क्या बात है, तो घर मेरा ही है। इसलिए भगवान कहते हैं साधुओं ने, ऋषियों ने, धर्मकर्ताओं ने तुमको ऐसा बताया, वैसा बताया, ऐसा बताया, अब मैं बताऊं मेरा पास चलो, कुछ भी जरूरत नहीं। ये सर्वधर्मान परित्यक्त, ऋषियों ने बहुत कुछ धर्म कहा, साध्याय करो, धर्म करो, अध्ययन करो, उपासना करो, उपवास करो, और व्रत करो, तप करो, जप करो, और मारपीट करो, जो कुछ करो 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 करो, करते करते परेशान हो गया, नहीं मिला कुछ। भगवान कहते सब कुछ बोलो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा साथ चलो। रास्ता दिखाने वाला वही है जिसके घर में ये रास्ता, रास्ता घर में पहुंचने वाले है उसी घर में, जो वो रास्ता वहाँ है वही रास्ता है। ऋषियों ने बात कहा भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान कहते पहुंच गया तो मेरा साथ चलो, भी तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा साथ चलो। सर्वधर्मान परित्यज्य की अर्थ हुई है कि समस्त ऋषियों ने जो कुछ कहा वो समाप्त हो गया, और भगवान अब कह रहे हैं कि मेरा साथ चलो, सर्वधर्मान परित्यज्य। वो दोनों को अंतर डिफरेंस कुछ नहीं, ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए कहा, भगवान ने कहा मेरा सेवा आनंद लाभ करो, यहाँ पर आ जाओ मेरे घर में। इसलिए अगर हम समझते दोनों के डिफरेंस जो है, डिफरेंस मनुष्य समझते, अगर भक्ति न रहे तो भगवान के विचार न रहे तो, भगवान की भक्ति न रहे तो समझ, भगवान क्या कर रहे हैं, सब लोग ऐसा कहा भगवान उल्टा कर रहे हैं कि उल्टा हो रहा है, तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान की वाणी जो है भगवत भावना से देखने से तब समझ जाते हैं, कि उपनिषदों का बात ऐसा है कि लोगों को समझ नहीं आता, बोले भगवान चलते ही नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन तुमसे बहुत दूर तेज चलते, तजे तदे देती तदे जती तद नहीं देती तद दूर तदंत के, भगवान बहुत दूर में है और बहुत नजदीक में है, भगवान ही है सबसे नजदीक, भगवान ही है। बोले कैसा, ये दोनों कैसा है, बहुत दूर बोलकर दूर आ गया, नदी बोलकर नजदीक हो गया, बोले सबसे नजदीक भगवान ही है, सबसे दूर भगवान ही है। जो है आत्मा के साथ रहने वाला परमात्मा है, परमात्मा के सम्मुखीन आत्मा के लिए